स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी एंड दिस सेशन ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग विद हिंदू, राइट। सो एज इन जो हम सेशन आपके साथ रेगुलरली ले रहे हैं अबाउट वोकैबुलरी, जो कि हम एडिटोरियल से लेते हैं द हिंदू के कोई भी एक आर्टिकल, और आपके साथ फिर उस पर बेस वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं, प्लस कुछ करंट अफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी इन बिटवीन आता है मैं आपको बता देती हूँ। बाकी सब के लिए तो सिर्फ आंसर आपके लिए है ही, राइट। सो आज का जो टॉपिक हमने स्टूडेंट्स लिया है दैट इज फील्ड्स ऑफ कंसर्न। फील्ड्स ऑफ कंसर्न ये हेडिंग थी, दैट इज द ट्रेंडिंग एडिटोरियल फॉर टुडे ऑन MSP फॉर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पर गवर्नमेंट फार्मर्स से क्रॉप खरीदते हैं या उनको सपोर्ट करने के लिए ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर किस चीज़ पर बेस्ड है ये आर्टिकल, देयर इज सब हेडिंग गिवन देयर, हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑफन डू नॉट ट्रांसलेट इनटू बेटर रिटर्न्स फॉर फार्मर्स। कहने का मतलब है कि अगर आप MSP को बढ़ा देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा देते हैं, पर वो कुछ बेहतर रिटर्न्स नहीं दे रहा है फार्मर्स को, ठीक है। तो उस पर आज बात होने वाली है इस आर्टिकल में, और हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरीज पर बेस्ड और बाकी सब पॉइंट्स भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से दैट वी हैव हियर, ठीक है। द फर्स्ट पैराग्राफ दैट वी हैव इज within months of announcing generous hikes. Student, generous का वैसे मतलब होता है kind, लेकिन इस पैसेज में क्योंकि हम generous hikes की बात कर रहे हैं, जो बढ़ोतरी हुई है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर generous का मतलब है reasonable, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाजिब, something that is reasonable, जो रीजनेबल हाइक, जो जेनरस हाइक है इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सेवरल क्रॉप्स इन द खारिफ समर सीजन, जो खारिफ क्रॉप में की गई थी। द NDA गवर्नमेंट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द MSP ऑफर फॉर राबी क्रॉप्स। तो अब वेंसडे को उन्होंने राबी क्रॉप्स की MSP को भी के में जो इंक्रीमेंट है उसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। These increases mark a sharp change from the cautious approach. कहाँ से किस हिसाब से इन्हें change लग रहा है, किस चीज़ में, वो cautious approach में इनको इस decision में, और जो cautious approach थी नरेंद्र मोदी government की अपने, देखो मैं पूरा sentence पढ़ देती हूँ पहले। These increases mark a sharp change from the cautious approach adopted by नरेंद्र मोदी government in raising MSPs during the first half of its tenure. वो कह रहे हैं कि जो पहले first half में जिस जो कि actions लिए गए थे, MSP बढ़ाई गई थी या जो भी एक cautious approach ली गई थी, उसके comparison में अब जो decision लिया गया है उसमें एक drastic change देखने को मिल रहा है, there is a sharp change to notice, ठीक है। that is what they're trying to express here. कॉशियस का स्टूडेंट्स मतलब होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं सतर्क, ठीक है, और इंग्लिश में आप इसे कहते हो अवेयर या सावधान, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या जिसे मैं वेरी कहूंगी, WARY, ऑलराइट, दैट इज व्हाट कॉशियस इज। तो तीसरा वर्ड हमने लिया यहाँ टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है दौरान, वो समय का जो टाइम पीरियड कहूंगी मैं, ठीक है, या ड्यूरेशन आप कहेंगे, तो ये यहाँ पर तीसरा वर्ड है। द लेटेस्ट हाइक्स आर जेनरस इवन इफ दे आर मॉडरेट कंपेयर टू दोज फिक्स्ड फॉर द खरीफ क्रॉप। जो जो लेटेस्ट हाइक्स हैं वो जेनरस हैं, वो भी रीजनेबल हैं, इवन अगर आप फिर कंपेयर भी करो खरीफ क्रॉप के राइस इंक्रीमेंट से, बट देन टू दे आर रीजनेबल, वाजिब है। By way of comparison, the highest increase over the previous kharif season's MSP. अब ये compare करके highest increase की बात कर रहे हैं, अगर compare किया जाए पहले और अभी से, तो जो highest increase है kharif season's MSP पर वो है 52.5 for which for cereal रागी के लिए ये जो है ये major hike है, 52.5%. ये again current affair में एक point बन सकता है।
Now, the highest season on season hike for Rabi crops is 20.6% for safflower. Now, ये सब points तो students याद रखने वाले हैं. ये safflower के लिए season on season hike है, सिर्फ रागी के लिए खरीफ season MSP जो highest increase है वो. ठीक है, the MSP for wheat has been raised 6.1% or INR 105 a quintal. For mustard, gram and masoor dal, the increases are between 5 and 5.3%. अब आप देख रहे हो ये जो प्रोसेस, ये जो एक पहला पैराग्राफ आपने देखा, इफ यू सी दिस पैराग्राफ, यू रीड द लाइंस, यू रियलाइज कि ये जो पॉइंट्स हैं, इस तरह का जो पॉइंट्स जिस पैसेज में मेंशन होता है, वो आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि तीनों में से किस तरह के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. क्या ये आरसी का क्वेश्चन बन सकता है, क्या ये क्लोज पैसेज का, या ये पैराजंबल का क्वेश्चन बन सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ. मैं सेशन के लास्ट में आपको बताऊंगी कि एक्चुअली इस तरह का जो पैसेज है, इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं, वो किस तरह रीडिंग एबिलिटी के कौन से सेक्शन में क्वेश्चन बनता है इस पर बेस्ड. ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल टेल यू इन द एंड. ओके, तो इस तरह. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की. अभी तीन वर्ड्स कर चुके हैं. द गवर्नमेंट सेज दैट विद दीज प्राइसेस इट हैज डिलीवर्ड ऑन इट्स प्रॉमिस दैट फार्मर्स विल गेट अ प्राइस एट लीस्ट 150% अबव देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब उन्हें 150% का लाभ होएगा एंड देयर इनकम्स विल बी डबल ओवर टाइम. इनकम्स भी दुगनी हो जाएंगी. द राबी क्रॉप विल बी प्लांटेड इन नवंबर बाय विच टाइम मध्य प्रदेश एंड राजस्थान लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड रिस्पेक्टिवली. नाउ रिस्पेक्टिवली का स्टूडेंट्स यहाँ मतलब है कि मध्य प्रदेश व्हीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और राजस्थान मस्टर्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि फिर से आपके लिए करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, चले. विल बी फर्मली इन कैंपेन मोड. तो वो कैंपेन मोड में आएंगे क्योंकि रबी क्रॉप नवंबर में हो जाएगा. द बीजेपी विच हैज टू डील विद एंटी इनकम्बेंसी. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट इन बोथ दी स्टेट्स, जहाँ पर उन्हें दोनों ही स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी फेस करना पड़ा. एंटी इनकम्बेंसी का स्टूडेंट मतलब होता है वोट अगेंस्ट इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो कि अभी करेंटली पावर में हैं. ठीक है, उनके अगेंस्ट जो वोट रहता है उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं. तो बीजेपी अभी क्योंकि पावर में है तो उनके अगेंस्ट इन दोनों स्टेट्स में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, उनके अगेंस्ट भी बातें हुई हैं. ठीक है, Has faced some flack. Students, flack का मतलब होता है criticism. ठीक है, जिसे आप हिंदी में कटाक्ष कहते हैं. ठीक है, इसे आप हिंदी में कहते हो कटाक्ष. ओके, देन has faced some flack over the Madhya Pradesh government's handling of farmer agitations. तो जो एजिटेशंस का स्टूडेंट मतलब होता है उत्तेजित होना. ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंग्जाइटी. ठीक है, दैट इज एजिटेशन. जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस. ठीक है, तो उत्तेजित होना, दैट इज व्हाट एजिटेशन इज. तो वो कह रहे हैं इनको क्रिटिसिज्म किस बात पर फेस करना पड़ा. इनको क्रिटिसिज्म इस बात पर फेस करना पड़ा कि ये जो मध्य प्रदेश में फार्मर के एजुटेशन को, जो नाराज़गी है उसको हैंडल करने का जो प्रोसेस था, वो हो सकता है उन्होंने ठीक से नहीं किया है या उसको करने में कहीं ना कहीं वो चूक गए. तो दैट इज़ व्हाट उनका जो क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट बना. क्लियरली इट इज़ नाउ राइडिंग ऑन द होप दैट द न्यू MSPs विल बोल्स्टर इट्स फार्मर फ्रेंडली क्रेडेंशियल्स एंड फर्दर इट्स प्रॉस्पेक्ट्स एट द हसन. बोल्स्टर का स्टूडेंट मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, किसी चीज को मजबूत बनाना. व्हाट इज इट, हिंदी में कहें तो मजबूत बनाना. ठीक है, सहारा देना किसी चीज को, ये भी हो सकता है. बोल्स्टर का मतलब सपोर्ट, स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना, सहारा देना. तो कह रहे अब वो किस चीज पर काउंट कर रहे हैं कि जो नए MSPs आए हैं, नए MSPs जो हैं वो स्ट्रेंथन करेंगे, सपोर्ट करेंगे किस चीज को, उनके फार्मर फ्रेंडली क्रेडेंशियल्स को. क्रेडेंशियल्स मतलब यहाँ पर अचीवमेंट्स या फिर जो वो चाहते हैं फार्मर्स के लिए करना. ठीक है, अचीवमेंट्स पर्टेनिंग टू फार्मर्स.
and further its prospects at the hustings. Now this is a good word. और याद रखिएगा ये एरर डिटेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह आप सिजर्स या ट्वीजर्स में से एस नहीं हटा सकते उसी तरह हसिंग्स में से भी एस नहीं हट सकता. ये प्लूरल नाउन फॉर्म है. ठीक है, हसिंग्स का मतलब होता है कैंपेनिंग और ये जो स्टूडेंट्स कैंपेनिंग है ये मैं यहाँ पर नहीं लिख रही कैंपेनिंग. ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई गेस वर्ड दिखेगा नहीं आपको. हसिंग्स जो है इसका मतलब होता है कैंपेनिंग और ये जो स्टूडेंट्स कैंपेनिंग है दिस इज इन रिलेशन टू इलेक्शंस. किससे संबंधित है? इलेक्शन से संबंधित कैंपेन को हम हसिंग्स कहते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर. अच्छा, क्रेडेंशियल्स को हिंदी में हम कहते हैं साख. ठीक है, हिंदी में हम क्रेडेंशियल्स को कहते हैं साख. ऑल राइट, चलिए तो अभी इस पैसेज में जो पैराग्राफ में वर्ड किया वो है एंटी इनकम्बेंसी, फ्लैक, एजिटेशंस, बोल्स्टर, क्रेडेंशियल्स एंड हसिंग्स. ऑल राइट, ऑल ऑफ दीज वोकैबुलरी वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट. मूव ऑन टू नेक्स्ट. इट इज नो कोइंसिडेंस. कोइंसिडेंस का स्टूडेंट्स मतलब होता है संजोग की बात, है ना? तो ये कोई संजोग नहीं है कि दैट द हाइक्स वर अनाउंस्ड अ डे आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ एंग्री फार्मर्स डिसेंडेड ऑन न्यू दिल्ली. डिसेंडेड मतलब उतर आना, वो सड़कों पर उतर आए. इस तरह जैसे हम बात करते हैं तो वो नई दिल्ली तक पहुंच गए और ऑब्वियस सड़कों पर उतर आए और उनको रोकने के लिए किसी जरूरत पड़ी, हमें इस्तेमाल करना पड़ा वाटर कैनन्स एंड टियर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा उन पर रोक लगाने के लिए. ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ इंस्टेंसेस दैट सिग्नल्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अंडरलाइंग एग्रेरियन डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस हम कर चुके हैं, अभी हमने बात की थी राइट एजिटेशन की, वही डिस्ट्रेस होता है उत्तेजित जो कि गुस्सा है उनका. ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो है ये बहुत लंबे समय से चली आने वाले जो हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स इंस्टेंसेस जो हो रही हैं सिचुएशंस आ रही हैं वो दैट सिग्नल्स जो कि हमें साफ साफ क्लू दे रहे हैं किस चीज़ का, किस चीज़ के होने का, किस चीज़ के एग्जिस्टेंस का. ये जो गुस्सा है फार्मर्स को, एग्रेरियन डिस्ट्रेस है जो कि अभी तक की अंडरलाइंग है, जो कि छुपा हुआ है, हिडन है. हिडन का मतलब छुपा हुआ, जिसको आप अगर आप अंडरलाइंग देखो तो अंडरलाइंग के सिनोनिम स्टूडेंट्स हो सकते हैं श्राउडेड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कवर्टेड. ठीक है, आप इसको कह सकते हो अंडरलाइन को हिडन, तो मैंने आपको वहां लिखवा ही दिया है. ठीक है, तो ये दैट इज समथिंग ढका हुआ कवर्ड जो अभी सामने नहीं आया लोगों के. बट इट इज नॉट मेयरली द लैक ऑफ एडिक्वेट प्राइसेस फॉर फार्म आउटपुट दैट हैज लेड टू रेस्टिवनेस. रेस्टिवनेस का मतलब होता है बेचैनी, ठीक है, नर्वसनेस जिसे हम एंजाइटी कहते हैं. ठीक है, दैट इज रेस्टिवनेस. रेस्टलेस, इम्पेशेंट आप कह सकते हो इसको. ठीक है, ओके, तो सिर्फ एडिक्वेट प्राइसेस की ही वजह से ये बेचैनी नहीं हो रही है. द राइज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स एंड डीजल्स, जो इनपुट फार्मर्स को लगते हैं खेती करने के लिए उनकी प्राइसेस में भी जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी एक बड़ा कारण है इसका. India's farm sector has multiple stress points, बहुत सारे stress points हैं, and ground level procurement और जो सबसे नीचे level पर जो procurement यहाँ पर students मतलब है कि जो उन्हें obtain करना होता है, procure is to obtain, ठीक है, तो to obtain things at ground level does not take place at the stipulated, stipulated का मतलब demanded, यहाँ पर students demanded का मतलब होता है अपेक्षा करना, स्टिपुलेट का मतलब अपेक्षा करना, तो जो उन्होंने अपेक्षा की थी जिस सपोर्ट प्राइस की उस प्राइस पर वो चीज़ें उन्हें ग्राउंड लेवल पर नहीं मिल पाती हैं. ठीक है,
बारिंग, बारिंग का मतलब स्टूडेंट्स होता है एक्सक्लूडिंग, इसे छोड़कर या इसे रिमूव कर किस चीज को, पैडी एंड टू लेसर एक्सटेंट वीट, वीट और पैडी को छोड़कर एमएसपी फॉर्मूला डजन वर्क फॉर मोस्ट क्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंशियल डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो एमएसपी फॉर्मूला काम नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से काम करना चाहिए है था या होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में हमने बात की कोइंसिडेंस की, डिसेंडेड की, अंडरलाइन की, डिस्ट्रेस की, रेस्टिवनेस की, प्रोक्योरमेंट की, स्टिपुलेटेड की, बारिंग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट प्राइसेस फॉर कॉटन आर करंटली क्लोज टू द एमएसपी, बट दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ ट्रेडर्स बेटिंग दैट द एक्सपोर्ट डिमांड विल राइज ड्यू टू यूएस चाइना ट्रेड वॉर। भाई कॉटन के प्राइसेस क्यों एमएसपी से नज़दीक हैं? क्योंकि सबको लग रहा है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी। किस वजह से? यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से। रॉबस्ट मैकेनिज्म, रॉबस्ट का स्टूडेंट्स अगर मैं देखूँ तो कौन सा वर्ड है हमारे लिए? 17। रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, ठीक है, या जिसे हम कहेंगे समथिंग दैट इज विगरस, जो इंटेंस है, जो बहुत ही सीरियस एक पॉइंट है, कमजोर नहीं बहुत मजबूत। ठीक है, मैकेनिज्म की जरूरत है जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा टू गेट द डिक्लेयर्ड एमएसपी फॉर अ क्रॉप। तो ये जो मैकेनिज्म है जो उन्हें हेल्प करता है इन सब में इज बीइंग पर्स्यूड थ्रू अ प्राइस डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम चल रहा है एंड अ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट प्लान, बट दिस इज स्टिल इन अ नैसेंट स्टेज। नैसेंट का स्टूडेंट मतलब होता है शुरुआती दौर में है, बिगनिंग स्टेज में है, शुरुआती दौर अभी नया है, बहुत नए स्टेज में है। ठीक है, नवजात जिसको कहते हैं उसे नैसेंट कहते हैं, एंड इज नॉट एडिकेट, और ये सफिशियंट नहीं है। ठीक है, इनफ नहीं है, सफिशियंट या इनफ दैट इज एडिकेट। देयर नीड्स टू बी ए होलिस्टिक रीबूट। होलिस्टिक का स्टूडेंट मतलब होता है होल या ओवरऑल। ठीक है, रीबूट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, पूरी तरह से दोबारा से एक उसको रीएड्रेस करना चाहिए, पर्टिकुलरली टू एड्रेस द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग पॉलिसीज एंड एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, दखल अंदाजी। ठीक है, दैट डेटर, डेटर का मतलब दैट स्टॉप, रोक लगाता है। किस चीज पर रोकना? प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट को रोकता है। ऑल राइट, दैट इज वॉट इट इज। तो एक होलिस्टिक रिबूट चाहिए। किस चीज के लिए होलिस्टिक रिबूट चाहिए? टू एड्रेस व्हाट व्हाट इज टू बी एड्रेस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग पॉलिसीज जो हैं, जो इतनी जिन पर रेस्ट्रिक्शन है, और दूसरा चीज जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन हैं हद से ज़्यादा, उन सब पर एक चेक रखने के लिए जो कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करने के बजाय उसको रोक रही है प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, उन सब पर एक चेक रखना होगा। राइट, तो दिस इज व्हाट द पैसेज वाज अबाउट। और हमने अप्रोक्सीमेटली 22 वर्ड्स तो किए ही हैं मेजरली, और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 25-30 वर्ड्स हमने आज सीखे। प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने आपसे कहा था कि आज का जो पैसेज है वो रीडिंग एबिलिटी के कौन से सेक्शन से संबंधित है, तो वो ऐसे पैसेजेस स्टूडेंट पैरा जंबल में आते हैं क्योंकि आपने देखा ये इंटरलिंक्ड था। दूसरी चीज, इसमें वोकैबलरी उतनी गहराई से नहीं पूछी गई है, अ बिट ऑफ कॉमन जो रिलेटेड वोकैबलरी है वो सब पूछी गई है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पॉइंट्स मेंशन है, हाईएस्ट इंक्रीज ओवर, ये ऑल ऑफ सच थिंग्स, न्यूमेरिकल थिंग आर मेजरली, और ज्यादा बड़ा नहीं है पैसेज। तो इस तरह की चीजें आपको पूछी जाती हैं किसमें? पैरा जंबल के क्वेश्चन में। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। ओके, चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और मंडे को हम आपके साथ करेंगे लाइव सेशन। ऑलराइट, जिस पर हम या तो एडजेक्टिव एडवर्ब डिस्कस करेंगे या फिर आपको पूरी वोकैबुलरी को एक समराइज वे में रिवाइज कराएंगे लाइव सेशन के थ्रू, जिसमें आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। आई विल सी यू इन मंडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट सो फार।